हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रंजनी है। मैं इंदिरा आईवीएफ में एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। तो आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो हमारे पेशेंट्स के मन में उठते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी शादी करियर के चलते लेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, 38-39 ईयर्स में उनकी जो है उनकी मैरिज होती है, तो उनके मन में बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या हम इस एज में, स्पेशली 40 ईयर्स के बाद, क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये बताना चाहेंगे कि हर स्त्री जो है वो माँ बन सकती है। हालांकि एक नॉर्मल तरीके से, एक नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने में मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आईवीएफ टेक्निक से जरूर ऐसी स्त्रियों को भी जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, उसके जो अंडे हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसमें काफी कमी आ जाती है। 40 साल के बाद जो अंडे हैं उनमें इवन जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के भी लगभग 40-50% रिस्क होते हैं। तो यदि महिला की उम्र 40 के ऊपर है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनको नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, इवन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्राइंग, देन उनको जरूर एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे हम उनको आईवीएफ की टेक्निक से उनको हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं। अगर महिला के जो एग्स हैं वो क्वालिटी में अच्छे हैं, तो उसको इवन अपने खुद के एग्स से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। आईवीएफ के जो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे, उसमें हम लो डोज का इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमें एग क्वालिटी अच्छी मिलती है। प्लस जो हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं इन एग्स से, उनकी हम एक एम्ब्रियो बायोप्सी करके ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि इन एम्ब्रियोज में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और जो हेल्दी, जेनेटिकली नॉर्मल हेल्थ एम्ब्रियोज होते हैं, उन्हीं को फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। अगर किसी महिला की उम्र ज्यादा है और उसके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका एएमएच जो है बहुत ही लो है, तो ऐसी महिलाएं डोनर एग सर्विसेज के द्वारा भी जो है वो एक हेल्दी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जो है उनको हो सकती है।